फूड डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी गई है और राशन डीलर्स हमारी बुक करी है जो लोगों तक जो गेहूं आता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो पोस्ट मशीनों के जरिए सबको बांटा जाता है हर महीने। इनकी काफ़ी डिमांड्स थी, जैसे मानदेय की डिमांड कर रहे हैं, बाकी डिमांड्स कर रहे हैं, कुछ डिमांड्स ऐसी है जो तुरंत पूरी होने वाली है, अधिकतर डिमांड हमने पूरी कर दी, लेकिन लैंग्वेज को लेकर के डिस्प्यूट है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम ठीक कर देंगे। हम राशन डीलर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं के जरिए पूरे राजस्थान में सब जगह पीडीएस का गेहूँ बांटा जाता है, ठीक बात, और उनको जो कोई समस्या है तो उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तो खुला दरबार है, जो भी आए प्रैक्टिकल बात करे समझाए उसको हम दूर करते हैं। इसी बात को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। महंगाई राहत कैंपों में भी आप जानते हैं कि सिलेंडर को लेकर बाकी कुछ इश्यूज को लेकर यदि कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम सब अधिकारी बैठकर डिस्कस करके उसको शॉर्ट आउट। सर ये जो राशन डीलर साथ सहमति बनी थी और उसके बिंदुवार क्रियान्वयन की बात थी, जो अधिकांश मांगे कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी नहीं जा रही है, आदेश नहीं लेकर ये जो आदेश को लेकर ये जो इनके अध्यक्ष हैं डिंपल कुमार जी शर्मा बीमार हो गए, हमने बात भगवान से प्रार्थना की ठीक हो गया, तो अब वो कोई एक आदमी इसमें से ठीक करके बता दे। कई बार हमने तो हमारी तरफ से आदेश बना दिए, उसमें कि लैंग्वेज में गड़बड़ तो ठीक कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम इस बात को जानते हैं कि हमारा गेहूं हम राशन डीलर के घर पे पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टर पहुंचाता है, उसके बाद पोस्ट मशीन पे अंगूठा लगता है, अंगूठा लगने के बाद गेहूं मिलता है। यदि किसी का अंगूठा नहीं लगेगा तो वो गेहूं वापस आ जाएगा, समझ गया, तो नीट फुल प्रूफ मामला है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। राशन डीलर कहते हैं हमारा मानदेय बहुत कम है, हमें पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं निकलता, क्योंकि दुकान इन्हीं की है, हम नहीं देते दुकान, दुकान का किराया हम नहीं देते, हम कुछ नहीं देते। इनके दुकान में मान लो उदाहरण के लिए हमने गेहूं उतारा, हमारा इंस्पेक्टर जाकर कहता है अरे भाई ये तो गेहूं तो 2 क्विंटल कम है, तो मैंने हमारे इंस्पेक्टर को समझाया मेरे काका गेहूं हमने कहां उतारा है, राशन डीलर के घर पे, बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो 2 क्विंटल यदि गेहूं कम है तो फांसी पे चढ़ाया गया, उसको कहते भाई तेरा 2 क्विंटल कम है, यदि कम बांटेगा तो पोस्ट मशीन में आ जाएगा, पूरा कर देगा, पूरा कर देगा, बात खत्म। इस बात को लेकर हमारा इंस्पेक्टर गेहूं वाला लड़े, उसकी दुकान कैंसिल हो और मुकदमा दर्ज हो, ये फालतू की बात है, तो वो पूर्ति करेगा गेहूं की कि भाई क्यों कम है, जवाब देगा, तो 24 घंटे इनका कहना है कि 24 घंटे में हम गेहूं पूरा कर देंगे यदि कम है। 9 तारीख को वो कह रहे हैं कि इनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए 15 लाख और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। नोटबंदी का बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया और ये कहा था कि देश बदल देंगे 50 दिन में, देश कहां बदला, गरीबी बेरोजगारी और महंगाई दूर करने का फार्मूला कहां है केंद्र सरकार का, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे उस वादे का क्या हुआ, सब वादे हवा हो गए। पहले कहा गया कि भाइयों बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 और 1000 का नोट बंद कर रहा हूं, काला धन लेकर आऊंगा और हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान होगी, मुस्कान बंद हो गई, लोग लाइनों में खड़े हो गए, नोटबंदी हो गई, 4 दिन तक बैंकें नहीं खुली, 200 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, 500 का 1000 का नोट बंद कर दिया और 500 1000 का नोट बंद करके 2000 का लिया। नोट छापने में मेरी जानकारी में जो है नोट छापने में नए नोट लाने में और उनको नष्ट करने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप मुझे ये बताइए 500 का 1000 का नोट गायब हो गया, आप कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करेंगे और फिर महंगाई गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो कैसे करेंगे, पहले तो 500 1000 का बंद किया, तो भाई साहब हमने तो कहा नहीं था आप 500 1000 का बंद करो। हाथ जोड़कर विनती है, जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है वही जवाब सब मंत्रियों का और हमारा है, कांग्रेस का जवाब वही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जवाब दिया है। तो क्या जनजातीय जनगणना कराने के लिए कह रहे हैं? अब गहलोत साहब सरकार के मुखिया है, वो डिसीजन लेंगे तो जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी नेतृत्व के हिसाब से लेंगे, जो पार्टी नेतृत्व जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी नेतृत्व जो डिसीजन लेगा वही हम सबको मानेंगे।